अनुपमा की ममता मालती देवी के अंदर छुपी हुई माँ को जगा के रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा और मालती देवी एक ऐसा रिश्ता बना है दोस्तों, नया रिश्ता जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे मालती देवी बहुत जख्म खाए बैठी है। पहले माँ शब्द से ही वो इरिटेट हो जाती थी, बंद करवा देती थी परफॉर्मेंस बीच में ही। अब वो पूरा सुनती है, उसको असर होता है। और ये असर क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ चाहे कितनी भी सख्त हो जाए, उसके अंदर की ममता कभी नहीं मरती है। और उसी ममता को कुरेद कुरेद के अनुपमा बाहर ला रही है, इंटेंशनली नहीं, क्योंकि अनुपमा इंटेंशनली कुछ कर नहीं सकती है, करती ही नहीं है, खो जाता है। तो बात करते हैं इसके ऊपर, बड़ा ही प्यारा सीन था ये। तो शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मालती देवी के बारे में पहले भी मैंने आपसे बात की है कि ये कनेक्शन अनुज से कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मालती देवी जो अनुपमा को अनुज के बारे में पूछती है कि अभी भी तुम्हारे मन में अनुज के लिए प्रेम है, और अनुपमा बताती है प्रेम के बारे में, जो हमने भी सुना, आपने भी सुना और बहुत अच्छा बताया। प्रेम ऐसे खत्म नहीं होता है, वो नहीं होता है, मन में तो रहता ही है, ऐसा किराएदार है कि जिसको जितना भगाना चाहो भागता नहीं है। तो बहुत अच्छा बताया, हमें अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि मालती देवी को भी अच्छा लगा। मालती देवी का अनुज के बारे में पूछना, अनुज को पहले से जानना, और अनुपमा का जब माँ के रूप में बात करना कि मेरे बेटे की शादी है, ममता नहीं मरती है, और ये जिम्मेदारी तो मैं निभाऊंगी, माँ बेटे में लकीर कैसे खींच लू, इन सब बातों का मालती देवी पे असर होना, ये सब इंडिकेट करता है दोस्तों कि मालती देवी के अंदर की ममता अब जाग रही है। और जब ये ममता जागेगी तो बहुत कुछ चेंज होगा। अनुज अनुपमा से दूर जाके भी दूर नहीं जाएगा, फिर से करीब आएगा। और ये बड़ी बड़ी शक्तियां जो कान्हा जी भेज रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है। ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये इन सब बुरे लोगों का एक्सपोजर होने के लिए हो रही है। क्योंकि मालती देवी का आना और अनुज से कनेक्शन होना ये बड़ी बात है, क्योंकि जहां पे मालती देवी अब बैठी हैं और जहां पे अनुज बैठे थे, यानी कि बिजनेस आइकॉन और मालती देवी स्टार, तो ये स्टार और बिजनेस आइकॉन के बीच में जो भी हो सकता है रिलेशनशिप, वो तो होता ही है, मगर ये कुछ और है। और ये हम आप सब अब देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एक रोल निभाता हुआ नकुल भी नजर आता है, जो अपनी तरफ से तो जलन के मारे में मरा जा रहा है, क्योंकि उसको पोजेसिव हो रहा है अपनी आई के लिए, आई मतलब मालती देवी के लिए, क्योंकि उनको माँ बोलता है, अम्मा बोलता है, तो अम्मा के लिए पोजेसिव हो रहा है, क्योंकि अब तक अम्मा उसके लिए ही सब सोचती आई है, और उसको सब पता है अम्मा कब गुस्से होती है कब नहीं होती है। और अब अम्मा में बदलाव आ रहा है क्योंकि अनुपमा है, और अनुपमा के लिए अम्मा बहुत सोच रही है। और ये जो नकुल वाला करेक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों इस कड़ी में, और आगे भी ये आएगा, क्योंकि अब ये गुरुकुल में भी एक अनुपमा के लिए एक कह सकते हैं कि राइवल, दुश्मन जिसको कह सकते हैं, छोटा मोटा दुश्मन वो आ गया है। क्योंकि अनुपमा के लिए तो नकुल एक बच्चा ही है ना, तो छोटा है तो वैसा तो, मगर अनुपमा सोचेगी जरूर कि नकुल किन बातों के बारे में, क्योंकि वो जानती है कि मालती देवी ने नकुल को अपने बेटे की तरह रखा है, मगर फिर भी माँ के नाम पे वो थोड़ा सा हिचकिचाती है। तो ये जो माँ की ममता है, ये तो अनुपमा बाहर ला के ही रहेगी, और इसीलिए मालती देवी अनुपमा के बेटे की शादी में भी जरूर जाएंगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.